हमारे पास है 18 mm प्लाई 4x8 की। इसको हम सबसे पहले 10-10 इंची चौड़ाई काट लेंगे, दो पीस। ये प्लाई हमारा बराबर 8 फीट है, इसको हम 10 इंची में काटे हैं। सबसे पहले 1/4 इंची ऊपर की तरफ छोड़ देंगे, उसके बाद 20 इंची में फिर मार्किंग करेंगे। उसके बाद फिर 1/4 इंच बीच में छोड़ेंगे, राइट एंगल से मार्किंग करते जाएंगे। उसके बाद फिर 20 इंच, 3 बार 20-20 इंच नापेंगे। आखिरी में जो बचेगा 16 इंची 2 सूत का बनेगा। उसके बाद हम जो मार्किंग लग किए हैं उसको पलटा लेंगे और 3-3 टन छेद कर लेंगे ड्रिल मशीन से अपना 2 इंच कील के लिए। 3-3 छेद करेंगे दोनों प्लाई में, मार्किंग करके ड्रिल से छेद कर लेंगे। ये प्लाई हमारा ऊपर और नीचे की तरफ लग जाएगा। ये वाली प्लाई हम बीच के लिए काट रहे हैं, 46.5 इंच लंबा काटेंगे, 3 पीस। इसकी भी चौड़ाई 10 इंच है। साढ़े 46 इंच में 3 पीस कट चुका है। तीनों प्लाई को हम लोग बराबर रख लेंगे। उसके बाद 12 इंच में फिर मार्किंग करेंगे, फिर 1/4 इंच बीच में छोड़ेंगे, फिर 12 इंच में मार्किंग करेंगे, फिर 1/4 इंच फिर बीच में छोड़ेंगे। उसके बाद अपना बचेगा 10 इंच में 1 सूत कम, फिर 1/4 इंच दोनों तरफ से 10 इंच एक एक सूत बचेगा नीचे वाला, तो मार्किंग कर देंगे। तीनों प्लाई को मार्किंग इस तरफ से पलटा लेंगे और 2 टन में ड्रिल से छेद कर लेंगे 3-3 नग, और एक प्लाई में अपना खांचा निकलेगा 20 सेंटर से 5-5 इंच में। इसकी चौड़ाई है 9 इंच और इसकी लंबाई है 46.5 इंच। इसको हम बीच में लगा लेंगे, कड़ी लकड़ी है हमारी। इसको भी सेम उसी प्रकार मार्किंग करेंगे, ऊपर से 12 इंची में ले लेंगे, फिर 1/4 इंच बीच में छोड़ेंगे, फिर 12, फिर 1/4 इंच। उसके बाद 10 इंच एक सूत, फिर 1/4 इंच बीच में, तो दो भाग में बच जाएगा अपना 10 इंच एक सूत, 10 इंच एक सूत। सबको राइट एंगल से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद आधा आधा पलटा लेंगे, सेंटर में काट लेंगे 4.5 में, इधर अपना काट के निकल जाएगा। ये हमारी बीच की चौड़ाई लकड़ी है, इसकी चौड़ाई है 9 इंच
और इसकी लंबाई रखे हैं 94.5 इंच, क्योंकि 1.5 इंच बढ़ाने से 8 फीट अपना बराबर हो जाएगा दोनों साइड प्लाई ठोकने से। एक साइड बराबर कर लेंगे, फिर 20 इंची 1/4 इंची में मार्किंग कर लेंगे, फिर 20 इंच, फिर 1/4 इंच, फिर 20 इंच, फिर 1/4 इंच, लास्ट में उसके बाद बचेगा 16 इंची, 2 सूत में मार्किंग करेंगे, फिर 1/4 इंच छोड़ेंगे। इधर भी अपना 16 इंची 2 सूत बच गया। राइट एंगल से सारे मार्किंग को पलटा लेंगे, साढ़े 4 इंच में 20 सेंटर से कटर मशीन से काट के निकाल लेंगे। तीनों पलाई को सेम कर लेंगे। सबसे पहले बीच वाली लकड़ी को सुला लेंगे, 94.5 इंच वाली को। एक साइड 20 इंच है तो 20 इंच वाला को एक ही साइड कर लेंगे, और 16 इंची 2 सूत वाला को एक साइड कर लेंगे। तो अपना कड़ी लकड़ी का 12 इंच है एक साइड, एक साइड 10 इंची 2 सूत है, तो 12 इंच वाला को एक साइड लगा लेंगे और 10 इंच वाला को एक साइड। सबसे पहले काटे थे 10 इंच चौड़ाई वाला और 8 फीट लंबाई वाला प्लाई को इस साइड टोक लेंगे। दूसरी साइड भी फेविकोल लगा के उसी प्रकार सेम ठोक लेंगे। दूसरी साइड भी 45.5 इंच और 10 इंच चौड़ा वाला को दोनों साइड में ठोक लेंगे। सिक्स एम एम प्लाई को पीछे की तरफ ठोक देंगे चारों ओवर से, और बीच बीच में इसके लगा के भी ठोक लेंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।